सिवान में कोऑपरेटिव का चुनाव चल रहा है और इसके लिए प्रत्याशियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। इसी कड़ी में भाजपा जिला अध्यक्ष की दबंगई का एक ऑडियो वायरल हुआ है। अध्यक्ष मनोज सिंह ने दूसरे पक्ष के एक युवक प्रिंस को फोन कर गाली दी। सुनिए ऑडियो। हाँ, क्या बोलता है? तेरा बहिनिया गाली मत दे। हम नहीं डाले विक्रम कुंवर डाले बड़ा विक्रम कुंवर के गरी आब नहीं के बोलत नंबरवा नहीं के बतावत ब्लूटूथ से है नंबर नहीं के बतावत तार नाम आइल बा में नाम आइल बा त हमरा पर आइल बा त हमू भेजनी हमी हां हां त तारा मां गाली मत दे ठीक बा। हां हां गाली मत दे क दे मुकम हां रख गाली मत दे तनी दिमाग होश में रखो। हां होश में बानी हम। इस गाली गलौज के बाद प्रिंस ने थाने में मामला दर्ज कराया है। मैं 2-3 दिन से घूम रहा और कल शाम को मैं तरवारा बाजार के आसपास में था तो मनोज सिंह हमको फोन किए और गाली गलौज देने लगे कि चुनाव हार जाए तो तोरा के मुंह आदेम अनाप शनाप पूरे और जातिगत बात को लेकर भी बोले कि ब्राह्मण सबका इतना औकात ये सब मनोज बाबू बोले जिसका रिकॉर्डिंग भी कुछ अंश मेरे मोबाइल में हो पाया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की बात कह रही है। उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसमें अगर जो दोषी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। कल कोऑपरेटिव का चुनाव होना है सर और शहर में किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था क्या की जा रही है? जो भी एहतियाती कदम है और प्रिवेंटिव एक्शन है हम लोग ले रहे हैं। मनोज सिंह पर पहले भी कोऑपरेटिव में गबन के आरोप लगते रहे हैं लेकिन चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। अब देखना होगा पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सिवान से निरंजन की रिपोर्ट।